इदी नाबू मिन कबल तम मगर वो जिन्होंने तोबा कर ली इससे पहले कि तुम इन पर काबू पाओ यानि गिरफ्तारी से पहले तोबा कर लेने से आखरत का अजाब भी माफ हो जाएगा और जो दुनिया में डाकुओं की सजा है उससे भी वो बच जाएंगे लेकिन जो माल लूटा है वो वापस करना होगा और अगर किसी को कत्ल किया है तो कत्ल के बदले इन्हें भी कत्ल किया जाएगा फायमु अनु गफूर रहीम तो खूब जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है यहाँ ये रुको तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ लेकिन इसमें चंद बातें समझना जरूरी है एक तो ये कि काबिल और हाबिल का जिक्र हुआ याद नहीं रहता कि कतिल कौन था और किसे शहीद किया गया तो हजरत हाबील को शहीद किया गया और कातिल काबिल था कतिल भी खौफ से है काबिल ये लफ्ज भी खौफ से है तो इस तरह याद रखें दूसरी बात यह कि काबिल ने ये जो कत्ल किया ये दुनिया का पहला कत्ल था तो इसके बाद जितने भी कत्ल हुए चूंकि इसने कत्ल करना ईजाद किया तो कयामत तक जितने भी नाजायज कत्ल होंगे हर कतल के लिए सजा है और सारे गुना इसके नाम में यानी काबिल के नाम अमाल में भी लिखे जाएंगे। क्योंकि अगर कोई शख्स गलत काम ईजाद करता है तो जब तक ये काम होता रहता है गलत काम ईजाद करने वाले के नाम अमाल में लिखा जायेगा इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद गुनाह से बचें कम से कम ये कोशिश जरूर करें कि हमें देख कर कोई गुनाह ना करे या हम किसी को गुनाह की तरगीब न दिलाएं या कोई गुनाह का तरीका हम ईजाद ना करें। फिर चूंकि इसने हजरत हबील को शहीद कर दिया अपने वालिद की नाफरमानी की शैतान ने इसके पास आकर ये बात कही कि तुझे पता है हाबील की कुर्बानी को आसमानी आग ने क्यों खाया काबिल ने कहा नहीं मालूम तो उसने कहा कि ये आग की पूजा करता था तो फिर काबिल ये पहला शख्स है जिसने आग की पूजा की और ये मजूसी हो गया आग का पुजारी हो गया और इसी कुफर पर इसका खात्मा हुआ जब कोई शख्स गुनाह करता है तो गुनाह करने से उसका ईमान कमजोर होता है और बस औकात वो ईमान की हदूद से निकल कर काफिर हो जाता है जैसा की काबिल के साथ हुआ दूसरी तो वजात ये जरूरी है कि यहाँ वाकई में ये है कि और के लोग जब मदीन तयबा आए वो तो बीमार हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अक्रम वसल्लम ने उनके लिए हुक्म दिया कि वो सदके के ऊटो का दूध और पेशाब मिलाकर पिया करें मसला शरीय है कि ये नबी अक्रम सलाम के अख्तियार हैं। आप जिसके लिए जो चाहे हुक्म इशाद फरमा दे जानवरों का पेशाब पीना हमारे लिए जायज नहीं है बाद लोगों ने इससे ये मसला अक्स किया कि बीमार हो तो बीमारी के इलाज के लिए जानवरों का पेशाब पी सकते हैं तो इसका जवाब भी है कि ये नबी अक्रम सलाम के खसूसियात में से है कि आप जिसके लिए जो चाहे हुक्म इशाद फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशाब से बचने का हुक्म दिया है लिहाजा ये मसला याद रखे के जानवरों का पेशाब पीना भी मुसलमान के लिए मना है और ये नापाक है चाहे बीमारी की वजह से कोई पिए तो ये भी गलत है अल्लाह हर एक को अकली सलीमता फरमाए और दीन के मामला समझने की तोफ़ी कता फरमाए सूरतम का पांचवा रुकू मुकम्मल हुआ अल्लाह ताला इस रुकू के नूर से हमारे कुलूब को रोशन और मुनवर फरमाए